गाइस, हम पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ करते थे। उससे पहले हम पैदल चलते थे, उसके बाद हम बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, उसके बाद साइकिल, मोटरसाइकिल, कार्स, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई जिसको हम चला के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हमको खुद को चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। एलोन मस्क का आपने नाम सुना होगा, उसने डेवलप किया है टेस्ला, लेकिन डेवलप नहीं किया है, उनकी कार्स आती है टेस्ला। तो टेस्ला में अगर हम बैठें और उसको बोल दें पॉइंट ए से मेरे को पॉइंट बी तक जाना है, तो सिंपली हम उसको टच करें कि ना करें वो हमको पहुंचा देगा। आज की डेट में हम काफ़ी सारी जगहों पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा घर है, ट्रांसपोर्टेशन हो या तो फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ओवर पूरा ग्लोबली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी सारा यूज़ कर रहे हैं और ये काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरकार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसके साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें और कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, हेल्थ केयर है, मार्केट डेवलपिंग है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं हम इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, मैं आपको इसके अंदर टेक्निकल डिटेल्स नहीं बताने वाला, मैं आपको नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये रहता है कि कोई मशीन है जिसको हमने सोचने की स्किल्स दी, समझने की स्किल्स दी, डिसीजन लेने की स्किल्स दी। जैसे कि हम हमारे इंसान हैं, हम नाक से सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, और हमारे माउथ से हम बोल सकते हैं, और हमारे ब्रेन से हम सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो यही सभी चीज़ें एक मशीन को हम दे रहे हैं ताकि वो हमारे काम काफ़ी आसानी से कर सके। इसके चलते हुए हमारी लाइफ है वो इजी हो सकती है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कैसे। जैसे कि हम किधर रोड पे जा रहे हैं तो हमको पता नहीं रहता कि आगे रास्ते कौन से हैं, कौन सा रास्ता बेटर रहेगा। तो आपने गूगल मैप्स का तो यूज़ किया ही होगा, तो वो आपको बता देगा पूरा डिसाइड करके कि आपके लिए बेस्ट रोड कौन सा रहने वाला है, जहाँ पर रोड क्लोजर ना हो, और अगर कोई रोड पे ट्रैफिक रहेगी तो वो भी आपको बता देगा। तो ये यूज़ कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर वो सेंस कर लेता है कि आगे क्या क्या खतरे आने वाले हैं, तो जिसको हम अवॉइड करके यहाँ से जा सकते हैं। और इसी तरह हमारी पूरी रूटीन में, हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको काफ़ी सारी जगहों पे फ़ायदा दे रहा है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू कैसे हुआ। बात काफ़ी सारी पुरानी है, इसके लिए हमको चलना रहेगा हिस्ट्री में। 1955 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम होना चालू हो चुका था। जे मकर्ती करके हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचा था कि हम इसको यूज़ करके हमारी जो ह्यूमन लाइफ है उसको काफ़ी इजी कर सकते हैं। तब से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 65 इयर्स हो चुके हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काफ़ी सारे डेवलपिंग्स हो चुकी हैं, उसको हमने काफ़ी सारे एक्सप्लोर कर दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से उसको हमने आज तक सिर्फ 20-30% ही एक्सप्लोर किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे मकर्थी ने डेवलप किया था, मतलब उन्होंने सोचा था, इसी के लिए उनको AI का फादर भी कहा जाता है। अभी बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जांपल है हमारा मोबाइल, हमारा स्मार्टफोन। हमारा स्मार्टफोन हमको पूरा एनालाइज करता है, जैसे कि हम कोई भी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे इंटरेस्ट के बेस्ड पे हमको पोस्ट दिखाता है, वीडियोस दिखाता है, एडवर्टाइज दिखाता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है, वो सोचता है, समझता है कि आफ्टर ऑल इस ह्यूमन को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से वो चीज़ें कलेक्ट करता है और वो हमको प्रोवाइड करता है। दूसरी बात करें हमारे गूगल की, तो गूगल आफ्टर ऑल हमको बेस्ट एंड परफेक्ट रिजल्ट कैसे देता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है। एक सच्चाई में आपको बताना चाहूँगा कि आज तक हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी कुछ लो परसेंटेज पे हम उसको यूज़ करते हैं। तो आप सोचो कि उसको हम 100% पे यूज़ करना चालू कर देंगे तो क्या ये हो सकता है। दूसरी बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है। काफ़ी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, जो कि हमारा काम काफ़ी इजी कर देता है। हमारी पूरी बॉडी को वो एनालाइज करता है कि भाई कहाँ पर कमी है, क्या क्या हमको चेक करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए।
तो प्रिकॉशंस भी दे सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं वो हमको हेल्थ केयर में हमको हेल्प करता है। और साथ में रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोट्स भी हम इंसान को काफ़ी सारे हेल्पफुल रहते हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सारे जो एजेड ग्रुप होता है, काफ़ी सारे ओल्ड जो पर्सन होता है, उनको हंसाने के लिए उनको एज ए नर्स भी हम रख सकते हैं रोबोट्स को। आज तक हम ये सब चीज़ें थोड़े थोड़े पैमाने पर उसको यूज़ तो कर ही रहे हैं। दूसरी बात करते हैं तो हमारे पूरी वर्ल्ड की डेवलपिंग में वो हमको काफ़ी सारा हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक कार की फैक्ट्री है जिसके अंदर एक कार को कंप्लीट तैयार करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे काफ़ी सारे ऐसे रोबोटिक आर्म लग चुके हैं जो कि उस कार को वो तैयार करते हैं। वो चाहे पेंटिंग हो, डेंटिंग पेंटिंग हो, या उसके अंदर मशीन फिट करना हो, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जो रोबोट्स वो खुद कर लेते हैं, वो भी हम उसको प्रोग्राम करके कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा और अच्छी तरह से एनालाइज करने की परमिशन दे दे तो रोबोट को खुद सोच सकता है कि इस काम को और अच्छी तरह से हम कैसे कर सकते हैं। सो, अभी बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमको जो चाहिए वो हमको इंटरनेट में मिल जाता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमको खुद पहले करना पड़ता था, वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो खुद में खुद चीज़ें हो जाती हैं। और साथ में वॉइस असिस्टेंट है, वो आज के टाइम पे जैसे कि सीरी है, गूगल है, अमेजन एलेक्सा है, वो हमारा टाइम गुजारते हैं, हमको टाइम पास भी करवाते हैं, हमको हंसाते हैं, काफ़ी सारी नॉलेज हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक हमको कुछ कहना है। और साथ में वॉइस असिस्टेंट जो रहते हैं जैसे कि गूगल है, सीरी है, ये सब जो है वो हमारे पूरे घर के अंदर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि लाइट्स बंद करनी हो, फ़ैन ऑफ करना हो, डोर ओपन करना हो, क्लोज़ करना हो, ये सभी चीज़ें भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फ़ायदे में ले सकते हैं। साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक फैक्ट्री के अंदर पहले काफ़ी सारे लोग लगते थे, लेकिन अभी AI के थ्रू, रोबोट्स के थ्रू वो हमको काफ़ी सारा लोगों को काम कर देना पड़ा है और सिंपली हम मशीन्स के थ्रू हम काम कर सकते हैं। सो, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्ट्री के अंदर रोबोट्स का यूज़ हम कर रहे हैं, हमारे पूरे दुनिया के अंदर काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ जाएगी, मतलब इंसानों को बेरोजगारी पड़ जाएगी, काफ़ी सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि भाई सभी को वो रखे, काफ़ी सारे लोगों को कंपनीज निकाल देती हैं, इसके चलते हुए एक ये डिसएडवांटेज हुआ। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपने ऑलरेडी सुना ही होगा सोफिया रोबोट के बारे में, वो सेम हमारे इंसान की तरह बिहेव करती है, हंसती है, रोती है, गाती है, सभी चीज़ें हमारे इंसान की तरह करती है। तो ऐसे चलते हुए काफ़ी सारे ऐसे रोबोट्स डेवलप किए गए थे पास्ट में जिन्होंने हमारे इंसानियत को मिटाने की भी बात कर दी है। काफ़ी टाइम पहले एक कंपनी ने दो रोबोट्स बनाए थे जो कि एक दूसरे के साथ अपनी लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे थे। तो इंसान ने पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। और साथ में एक दूसरी कंपनी थी जहाँ पर जो रोबोट्स बनाए गए थे, तो वो रोबोट ऐसा बता रहा था कि भाई हम इंसान बीमारियों का पुतला है, मतलब हमारे इंसान के अंदर काफ़ी सारी ऐसी बीमारियाँ हैं, पूरे इंसानों को ही मिट जाना चाहिए। तो इनडायरेक्टली हम ये समझ सकते हैं कि अगर कुछ फ्यूचर में गलत हो गया तो रोबोट्स हमको ख़त्म भी कर सकते हैं, विच इज़ मे नॉट पॉसिबल, क्योंकि आफ्टर ऑल बनाया हमने है, तो हमारे पास इसके कुछ रास्ते तो होने ही चाहिए। लास्ट में आपको एक डिसएडवांटेज बताना चाहूँगा हमारे ह्यूमन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो चुकी है, तो इसके चलते हुए हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम कर रहे हैं, तो इसके चलते हुए हमारे हमको काफ़ी सारे ऐसे बीमारियाँ नई पैदा हो रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम कर रहे हैं। और साथ में AI इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर चलता है, तो इसके चलते हुए काफ़ी सारे ऐसे रेडिएशंस फैलते हैं, काफ़ी सारे हमको रेडियो वेव्स का सामना करना पड़ता है, ताकि जो कि हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है। और अभी मैं इन सभी चीज़ों को कंक्लूड करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ लेकिन मैं पूरा का पूरा रोबोट तैयार कर सकता हूँ मेरे दूसरे सभी काम करने के लिए, इसका नाम हम बोल सकते हैं AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरी बात, हम काफ़ी सारे इसको जगह पर यूज़ करते हैं, पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम काफ़ी हमारी लाइफ आसान कर लेते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने का फ़ायदा नुकसान दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ना करें,
तो गाइस ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी वास्ट टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी रहती है। तो अगर कुछ चीज़ छूट गई है, कोई आपको स्पेशल चीज़ें चाहिए तो नीचे आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा इसके ऊपर वीडियो बनाने का। सो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।